नमस्कार दोस्तों, आज हमारे समाज के अंदर आवारा कुत्ते और आवारा पशु एक परेशानी का सबब बने हुए हैं। शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी भी होगी कि जो हमारे आवारा कुत्ते हैं, इनको किसी प्रकार की मेडिकल केयर ना होने की वजह से कई प्रकार की घातक बीमारियां लग रही हैं और अपने पागलपन की वजह से ये हमारे समाज के अंदर हमें काट रहे हैं, हमारे जो पालतू पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उन्हें काट रहे हैं और कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उन्हें उनकी होने की जो आशंका है ये हमारे समाज में फैल रही है। इसके अतिरिक्त जो आवारा पशु हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो भी किसी प्रकार का प्रहार करने से डरते नहीं हैं और जो फसलों का जो नुकसान कर रहे हैं, जिससे हमारे लोगों को आर्थिक रूप से बहुत बड़ी हानि का नुकसान हर वर्ष उठाना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इन आवारा पशु और आवारा कुत्तों की वजह से आज हमारे बच्चे असुरक्षित हैं। देखें, आपकी जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स ना, अभिभावक जो है वो गंभीर चिंता में होते हैं, एक घबराहट का एक माहौल होता है उनके घर परिवार के अंदर कि रास्ते में कहीं जो आवारा कुत्ते या आवारा जो पशु हैं वो उनके बच्चों को कोई हानि ना पहुँचा। इसके अतिरिक्त ये जो आवारा पशु हैं और आवारा कुत्ते हैं, इनकी वजह से जो लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के इच्छुक हैं या जो लोग फिटनेस के इच्छुक हैं, उन लोगों को भी सड़कों पे निकलना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सड़कों के ऊपर भाई इनका राज है, आवारा कुत्तों का राज है, आवारा पशुओं का राज है। और इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो ये है कि आज हमारे हिंदुस्तान सरकार ने स्वच्छता के ऊपर एक बड़ी मुहिम छेड़ के रखी हुई है, जिसके तहत बाहर गंदगी ना फैले आज घर घर के अंदर जो है वो शौचालय बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये आवारा कुत्ते और आवारा जानवर हैं, ये गली चौराहों के ऊपर बुरी तरह से गंदगी फैला रहे हैं। अब इस गंदगी को कौन कंट्रोल करेगा, ये एक चिंता का विषय है। और ये आवारा पशु और आवारा कुत्ते इस प्रकार हमारे स्वच्छता अभियान के ऊपर भी इस तरह से नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। साथियों, हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में, जब उनसे गपशप लगती है तो उनसे कई बार चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि 15-20 साल पहले जो था वो आवारा कुत्तों और आवारा पशुओं से निपटने के लिए एक व्यवस्था थी, जिसके तहत आवारा कुत्तों को जो दवाई डालकर जो था वो मार दिया जाता था और ये जो आवारा पशु थे इन्हें कटान इत्यादि के लिए जो था वो भेज दिया जाता था। लेकिन राइट ऑफ लिविंग के तहत शायद इन आवारा कुत्तों और आवारा पशुओं को जो था वो जीने का अधिकार दिया गया, इनको सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन ये वो जानवर हैं जो आज हमारे मानवता के ऊपर पूरी तरह से कहर बन के खड़े हैं और हमें हर रोज़ जो है कई प्रकार के जो नुकसान हैं वह समाज को इनकी वजह से हो रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़, आज हर युवा टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, मल्टीमीडिया से जुड़ा है, आपको जहाँ भी मौका मिलता है साथियों इस मुद्दे को उठाओ, क्योंकि जिस रफ्तार से इन आवारा कुत्तों और आवारा जानवरों की जो रफ्तार बढ़ रही है, जनसंख्या की रफ्तार बढ़ रही है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में तो इन्हीं का राज हो जाएगा, हर गरीब मोहल्ले के अंदर का राज हो जाएगा यार, इंसानों को तो घर में छुपना पड़ेगा। तो मेरा एक निवेदन है सरकार से कि हम ये नहीं बोलते कि आप इनको राइट ऑफ लिविंग मत दो, चलो ठीक है आपने निर्णय लिया है, लेकिन आप इन्हें खुले भी आवारा सड़कों पे घूमने की इजाज़त भी मत दो। इनको यार आपको लगता है कि आपको जीने का अधिकार दे रहे हैं तो इनको रहने के लिए व्यवस्था बनाओ, आवासीय व्यवस्था दो, वहाँ पे रखो आवारा कुत्तों को, वहाँ रखो, उन्हें मेडिकल की सुविधा भी दी जाए, हर चीज़ की सुविधा दी जाए, ताकि जो है कम से कम जो हमारी आवाम है वो तंग ना हो, हमारे लोग तंग ना हो, हमारे जो किसान हैं वो तंग ना हो, उनको फसल का नुकसान ना हो। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि चाहे आप मानवता की सुरक्षा के माध्यम से सोच रहे हैं, चाहे बच्चों की सुरक्षा के माध्यम से सोच रहे हैं, चाहे आप जो स्वच्छता का जो अभियान है उसके माध्यम से सोच लें, हर प्रकार से सोच लें, ये जो पशु है और ये आवारा जानवर है और आवारा कुत्ते हैं, ये खुले आम जो घूमने की छूट दे गई है, इस छूट की वजह से
जो हमारा समाज है पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप साथियों को भी लगता है कि ये वाकई गंभीर मुद्दा है और इसके ऊपर जो है वो गंभीरता से विचार होना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग भी जहाँ आपको मौका मिलता है इस बात को उठाओ और इस वीडियो को भी जरूर शेयर करो, ताकि ये वीडियो भी वहाँ तक पहुँच सके जहाँ ये पहुँचना चाहिए, ताकि हमारी जो अपील है वो प्रशासन और सरकार तक पहुँच सके, ताकि हमें आने वाले कल में इन आवारा पशु और कुत्तों से निजात मिल सके। तो इसी के साथ इजाजत देंगे अपने दोस्त यशपाल चंदेल को। खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद।